हेलो नमस्कार दोस्तों, तो फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फरा फार्मेसी पे। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कंपार्टमेंट मॉडलिंग का। पहले हम देखेंगे क्या है फार्माकोकाइनेटिक मॉडल, जो कि बायो फार्मास्यूटिक्स के अंदर कवर होता है। तो चलिए समझते हैं क्या है मॉडल्स हमारा। तो मॉडल्स बेसिकली एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है अपने बायोलॉजिक सिस्टम का, अपने बॉडी का, जो कि एक्सप्रेस करता है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। बेसिकली मॉडल हमारा क्या है कि ये एक हाइपोथेटिकल होता है। हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो बॉडी है या बॉडी के जो ऑर्गेन्स है वो एक कंपार्टमेंट की तरह है, एक रूम्स की तरह है, एक कमरे की तरह है। तो ऐसे मान के चलते हैं। जैसे कि कोई बिल्डिंग हम जब बनाते हैं तो उसका पहले क्या होता है कि हम एक डिज़ाइन बनाते हैं कि यहाँ पे हमारा बेडरूम होगा, यहाँ किचन होगा, यहाँ हॉल होगा, यहाँ गेस्ट रूम होगा। तो मतलब एक जब वो हम डिज़ाइन बनाते हैं तो उस डिज़ाइन वो तो रियल नहीं होता है, वो एक एज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पे ये होगा ये होगा। तो फिर उस डिज़ाइन को हम लेके फिर उससे रियल बनाते हैं, रियल कोई घर बनाते हैं। तो वो जो डिज़ाइन है वो हमारा एक मॉडल है। तो ऐसे ही मॉडल क्या है कि रियल नहीं होता, ये एक एज्यूम क्या हुआ होता है, एक हाइपोथेटिकल होता है। तो अ मॉडल इज़ अ मैथमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बायोलॉजिक सिस्टम एंड यूज टू एक्सप्रेस क्वान्टिटेटिव रिलेशनशिप। अ कंपार्टमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज विद सिमिलर ब्लड फ्लो एंड ड्रग एफिनिटी। तो कंपार्टमेंट क्या है कि हमारा रियल फिजियोलॉजिक नहीं होता है, ऑटोनॉमिक रीजन नहीं होता है, एज्यूम ऑप्शन क्या हुआ होता है। फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर यूज टू डिस्क्राइब द फैट ऑफ अ ड्रग इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो हम बॉडी को क्या कर रहे हैं, कंपार्टमेंट मान के चलते हैं, ऑर्गेन्स को एक कंपार्टमेंट मान के चलते हैं। तो अब हम आते हैं फार्माकोकाइनेटिक मॉडल पे। तो फार्माकोकाइनेटिक में क्या आता है हमारा कि फार्माकोकाइनेटिक में व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी हमारा ड्रग के साथ क्या क्या करता है। तो बॉडी जब हम ड्रग कोई लेते हैं तो बॉडी में क्या होता है, पहले उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ADME उसमें बेसिकली होता है। ADME हमारा A से एब्जॉर्प्शन, D से डिस्ट्रीब्यूशन, M से मेटाबॉलिज्म, E से एक्सक्रीशन। पहले ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है, इसके बाद वो सारे बॉडी में, बॉडी ऑर्गेन्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर उसका मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म के बाद ड्रग एक्सक्रीट आउट होता है, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। तो फार्माकोकाइनेटिक मॉडल में क्या है कि ये भी मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग मैथमेटिकली और क्वान्टिटेटिवली। वैसे फार्माकोकाइनेटिक मॉडल हम क्यों स्टडी करते हैं, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को, रिलीज को निकालने के लिए मतलब हम यूज़ करते हैं इसका, फार्माकोकाइनेटिक मॉडल का। तो टाइम कोर्स ऑफ ड्रग थ्रू आउट ऑफ द बॉडी एंड कंप्यूट मीनिंगफुल फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर। मतलब हम फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स ADME को निकालने के लिए एक मॉडल दी गई है फार्माकोकाइनेटिक मॉडल की, कितना ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना ड्रग्स हमारे कौन कौन से ऑर्गेन में कितना ड्रग जा रहा है और कितना इलिमिनेट हो रहा है बॉडी से। तो ये सब पैरामीटर्स निकालने के लिए मॉडल दी गई है। हाँ, तो चलिए अब हम समझते हैं कि नीड ऑफ फार्माकोकाइनेटिक मॉडल की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स के रीजन बेसिकली तीन है। एक तो हमारा है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में क्या है कि ड्रग काइनेटिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए वो मॉडल दी गई है। और दूसरा है प्रिडिक्टिव, मतलब कि टू प्रिडिक्ट द टाइम कोर्स ऑफ द ड्रग आफ्टर मल्टीपल डोजिंग बेस्ड ऑन सिंगल डोज डाटा, टू प्रिडिक्ट द एब्जॉर्प्शन प्रोफाइल को निकालने के लिए ऑफ ड्रग, जैसे IV से ले रहे हैं तो उस टाइम क्या एब्जॉर्प्शन या क्या होगी ड्रग प्रोफाइल सिंगल डोज का, मल्टीपल डोज का, तो ये प्रिडिक्ट करने के लिए। और तीसरा है एक्सप्लेनेटरी, टू एक्सप्लेन अनक्लियर ऑब्जर्वेशंस। हाँ, चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक मॉडल। तो फार्माकोकाइनेटिक मॉडल हमारा बेसिकली तीन टाइप्स का है। एक तो है कंपार्टमेंट मॉडल, दूसरा नॉन कंपार्टमेंट मॉडल, और तीसरा है फिजियोलॉजिक मॉडल। कंपार्टमेंट मॉडल में हम बॉडी को एक कंपार्टमेंट्स की तरह मान के चल रहे हैं, एक कमरा की तरह मान के चल रहे हैं, जैसे कि एक रूम्स की तरह मान के चल रहे हैं। और नॉन कंपार्टमेंट मॉडल में अब हम कंपार्टमेंट नहीं मान के चलते हैं। और तीसरा है फिजियोलॉजिक। कंपार्टमेंट मॉडल में हमारा दो आता है, पहला है एक कैटरनरी मॉडल और दूसरा है मैमुलरी मॉडल। कैटरनरी मॉडल में क्या होता है बेसिकली कि हमारा जो कंपार्टमेंट्स होता है, 1, 2, 3 जितने भी कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो वो एक सीरीज में जुड़े रहते हैं। जैसे हमारा रेल का डब्बा होता है ना, सीरीज में जुड़ा हुआ, एक डब्बे से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और वो क्या होता है कि रिवर्सिबल होता है, एक डब्बे से दूसरे डब्बे में जा सकता है, दूसरे से पहले में आ सकता है। तो ऐसा, तो सीरीज में अगर हमारा कंपार्टमेंट्स जुड़ा हुआ है तो उसको कहेंगे
कैटरनरी मॉडल और मेमोरली मॉडल, मतलब कि मेमोरली मॉडल में क्या है कि एक सेंट्रल कंपार्टमेंट होगा। जैसे हमारा ब्लड हो गया, मान लिया मैंने सेंट्रल कंपार्टमेंट ब्लड है, तो ब्लड होता ही है वैसे, मानेंगे क्या, तो सेंट्रल कंपार्टमेंट ब्लड है, तो वो सेंट्रल कंपार्टमेंट हमारा छोटे छोटे सारे पेरीफेरल कंपार्टमेंट से जुड़े होंगे, डायरेक्टली वो कनेक्टेड होगा पेरीफेरल कंपार्टमेंट से। एक सेंट्रल कंपार्टमेंट होगा, उससे बहुत सारे पेरीफेरल कंपार्टमेंट जुड़े होंगे, तो उसको कहेंगे मेमोरी मॉडल। तो वो क्या होता है कि पैरेलल में जुड़े रहते हैं, और इसमें कैटरनरी में क्या है कि सीरीज में जुड़े रहेगा। तो पैरेलल में इसमें क्या है कि ये भी रिवर्सिबल होता है, जैसे हमारा सेंट्रल कंपार्टमेंट से पेरीफेरल फर्स्ट कंपार्टमेंट में, फिर पेरीफेरल से सेंट्रल में आ सकता है, इस कंपार्टमेंट से इस कंपार्टमेंट में, तो ये है मेमोरी मॉडल। अब मेमोरी मॉडल में हमारा तीन कंपार्टमेंट आता है, एक तो पहला वन कंपार्टमेंट जिसमें कि एक कंपार्टमेंट होगा, टू कंपार्टमेंट्स, दो कंपार्टमेंट होगा, एक तो सेंट्रल कंपार्टमेंट होगा और वो दूसरा पेरीफेरल कंपार्टमेंट से कनेक्टेड रहेगा, और है हमारा मल्टी कंपार्टमेंट, बहुत सारे कंपार्टमेंट रहेगा। तो वन कंपार्टमेंट मॉडल में हमारा आता है आईवी बोलस। तो आईवी बोलस जब हम ड्रग को आईवी के थ्रू लेते हैं, तो उस टाइम में हम निकालते हैं कि कितना ड्रग हमारा ब्लड में है उसके बाद, और कितना इलिमिनेट हो रहा है। तो आईवी बोलस में क्या होगा कि हमारा पहला कंपार्टमेंट होगा, वन कंपार्टमेंट है तो ऑब्वियसली एक ही कंपार्टमेंट होगा, तो इसमें जो ये क्या कहते हैं एब्जॉर्प्शन, आईवी बोलस ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो वहाँ पे के जीरो नहीं होगा, वो निग्लिजिबल होगा। और आईवी इन्फ्यूज़न जब ड्रग्स को हम ड्रिप के थ्रू लेते हैं, जैसे स्लाइन वगैरह चढ़ाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है बेसिकली एब्जॉर्प्शन होता है। और तीसरा है मल्टीपल डोजिंग, और होता है हमारा एक्स्ट्रा वेस्कुलर से जब हम किसी ड्रग को एब्जॉर्ब मतलब ऑरली लेते हैं, जैसे रेक्टल लिए ऑरली लिए, तो वहाँ क्या होता है कि हमारे ड्रग्स का पहले एब्जॉर्प्शन होता है, तब वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचता है, तो हमारा सेंट्रल कंपार्टमेंट में पहुँचता है। टू कंपार्टमेंट में भी है आईवी बोलस है ऑरल ड्रग्स, हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में हम लेके आएंगे वन कंपार्टमेंट मॉडल, टू कंपार्टमेंट मॉडल, और उसको डिटेल डिस्कस करेंगे। हाँ, तो चलिए अब हम समझते हैं कि कंपार्टमेंट मॉडल क्या होता है। तो कंपार्टमेंट मॉडल मैंने ऐसे बताया कि जैसे बताया कि ये रियल नहीं होता है, हम एज्यूम करके चलते हैं बॉडी के ऑर्गेन्स को एक कंपार्टमेंट, एक रूम, एक कमरा मान के चल रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि ये एक हमारा कमरा है और ये कमरा एक दूसरे से दूसरे कंपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, दूसरा कंपार्टमेंट जैसे दूसरा ऑर्गेन्स हो गया हमारा, जैसे लीवर हो गया, टिश्यू हो गया, किडनी हो गया, मसल हो गया, ब्रेन हो गया, वो हो सकता है कुछ भी। तो सेंट्रल कंपार्टमेंट में बेसिकली हमारा पहले तो मेन ब्लड आता है, किडनी, लीवर, लंग्स, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गेन कहते हैं। और लो परफ्यूज्ड ऑर्गेन हमारा दूसरे ऑर्गेन्स हो गया, इसको छोड़ के हमारा सारा लो परफ्यूज्ड ऑर्गेन है, जैसे मसल्स वगैरह हो गया और भी है, तो ये लो परफ्यूज। हाईली परफ्यूज्ड में आता है हमारा लीवर, किडनी, लंग्स एंड ब्लड, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लड का फ्लो होता है। तो हमारा क्या है कि कंपार्टमेंट मॉडल, आवर बॉडी इज कंसिडर्ड एज कम्पोज ऑफ सेवरल कंपार्टमेंट कनेक्टेड रिवर्सिबली विथ ईच अदर डिपेंडिंग ऑन द कंपार्टमेंट आर अरेंज इन पैरेलल। मैंने पहले ही बता दिया कि अगर मेमोरियल ही मॉडल होगा तो वहाँ पे जो कंपार्टमेंट्स होगा वो पैरेललली कनेक्टेड होगा, और कैटरनरी मॉडल में सीरीज में कनेक्शन होगा, जैसे कि हमारा रेल के डब्बे का होता है कनेक्शन एक दूसरे से, ऐसे ही कनेक्टेड होगा हमारा कंपार्टमेंट्स। अब है कंपार्टमेंट मॉडलिंग। तो कंपार्टमेंट मॉडलिंग को तीन में डिवाइड किया गया, वन कंपार्टमेंट मॉडल, टू कंपार्टमेंट मॉडल और मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल। तो वन कंपार्टमेंट में एक कंपार्टमेंट होगा, टू में एक कंपार्टमेंट दूसरे कंपार्टमेंट से कनेक्ट होगा, और मल्टी कंपार्टमेंट में बहुत सारे कंपार्टमेंट कनेक्टेड होगा एक दूसरे से। तो कंपार्टमेंट डो नॉट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक टिश्यू ऑफ फ्लूइड, दैट मे रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टिश्यू ऑफ फ्लूइड। सो इसमें मॉडल ओपन होता है और क्लोज मॉडल होता है, हम उसको डिस्कस करेंगे आगे। हाँ, मेमोरी मॉडल देख सकते हैं आप फिगर में कि एक सेंट्रल कंपार्टमेंट है, और ये कंपार्टमेंट हमारा दूसरे कंपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं कंपार्टमेंट टू, और फिर ये तीसरे कंपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, ये कंपार्टमेंट थ्री, और ये सेंट्रल कंपार्टमेंट हम इसको वन मान के चल रहे हैं। तो वन से टू में जाएगा तो के वन टू हो जाएगा या ए वन टू, हाँ, और फिर जब ये वन से थ्री में जाएगा तो ए वन थ्री, और अगर थ्री से वन में आएगा तो ए थ्री वन। तो ये क्या है कि हमारा ये ड्रग्स का क्या है, या पहले तो ड्रग एब्जॉर्ब होता है फिर उसका एक्सट्रीट आउट होता है, ये तो एक काइनेटिक्स को निकालने के लिए। तो ये बेसिकली हमारा ये सेंट्रल कंपार्टमेंट हो गया, और ये दो पेरिफेरल कंपार्टमेंट से जुड़े हुए, तो ये मेमोरी मॉडल हो गया, और ये किस में पैरेलली जुड़े हुए हैं।
तो ये हो गया हमारा मेमोरी मॉडल। और द सेंट्रल कंपार्टमेंट कंप्राइजेज ऑफ प्लाज्मा एंड हाईली परफ्यूज टिश्यू, जैसे कि लीवर हो गया, किडनी हो गया, लंग्स, मैंने पहले ही बताया कि ये सेंट्रल कंपार्टमेंट में काउंट होगा क्योंकि इसमें जो ब्लड का हाईली परफ्यूज टिश्यूज है, यहाँ पे ब्लड सबसे ज़्यादा फ्लो होता है। और इसको छोड़ के और जितने हैं वो हमारा पेरिफेरल कंपार्टमेंट में आएगा। अब वेरियस मेमोलरी मॉडल्स होता है, वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आईवी इंजेक्शन होता है, वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल विथ फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन। तो पहला वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल में क्या है, देख सकते हैं ये पहला कंपार्टमेंट है, इसके बाद ये ड्रग अदर कंपार्टमेंट्स में जाएगा, मतलब ड्रग का एक्सक्रीशन होगा, तो यहाँ के से इंडिकेट कर रहे हैं। वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल विथ फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन, मतलब फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन, यहाँ हम ड्रग्स को क्या ले रहे हैं, एक्स्ट्रा वेस्कुलर ले रहे हैं। तो यहाँ पे पहले ड्रग हम जैसे जीआईटी में गया, तो ये देख सकते हैं आपके एम, तो अगर ड्रग जीआईटी में एब्जॉर्ब, जैसे ड्रग जीआईटी में गया वहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है, तो यहाँ पे ये पहले एक एरो लगती है, ये क्या है, के, मतलब यहाँ ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब ड्रग्स को ऑरली या रेक्टली ली गई है, उसी को कहते हैं एक्स्ट्रा वेस्कुलर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये वन कंपार्टमेंट में गया, इसके बाद ये के इस बाहर स्क्रीट आउट हो जाती है ड्रग्स की। और इसके बाद है टू कंपार्टमेंट मॉडल आईवी इंजेक्शन, मतलब कि टू कंपार्टमेंट हमारा दो कंपार्टमेंट कनेक्ट हो गया, ये देख सकते हैं फर्स्ट कंपार्टमेंट और ये है सेकेंड कंपार्टमेंट। तो ये फर्स्ट कंपार्टमेंट में क्या है कि हमारा पहले ब्लड हो गया, सेंट्रल कंपार्टमेंट हो गया और ये पेरीफेरल कंपार्टमेंट हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या हो रहा है कि पहले कंपार्टमेंट से और दूसरे कंपार्टमेंट में जा रहा है ये ड्रग्स, पहले में एब्जॉर्ब हो गया, ये दूसरे से एक्सक्रीट आउट हो रहा है। तो ये के वन टू हो गया, फर्स्ट से सेकेंड कंपार्टमेंट हो रहा है, तो ये क्या है कि के वन टू, अगर दो से वन में जा रहा है तो के टू वन, मतलब अगर फर्स्ट से सेकेंड कंपार्टमेंट में जा रहा है तो के वन टू, और टू से वन कंपार्टमेंट में जा रहा है तो के टू वन, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब वो एक दूसरे वाइस वर्सा है, वन से टू में भी जा सकता है, टू से वन में आता है, जैसे रेल के डब्बे में होता है ना कि मान ले एस वन है तुम्हारा बोगी, तो एस से वन से एस टू में जा सकते हो, एस टू से लोग एस वन में भी आ सकता है, तो ऐसा वाला हाल है। टू कंपार्टमेंट ओपन वर्जन फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन, यहाँ वही बात हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन यू नो ऑलरेडी ना कि जैसे फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन हमारा ड्रग के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, कि एब्जॉर्प्शन जो होता है ड्रग का वो ड्रग के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, कि मतलब मान लिया हमने ज़्यादा कंसंट्रेशन लिया ड्रग का तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, बट जीरो ऑर्डर के केस में क्या होता है कि वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं पड़ता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। तो ये, और अब जैसे कि देख सकते हैं आप के ए हो, जैसे हो गया, तो ये हमारा ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो ये के ए हो गया, और इसके बाद ये वन कंपार्टमेंट में आया, वन कंपार्टमेंट हमारा ब्लड मान के चलो, ब्लड हो गया, तो ये फिर के से के वन टू, वन कंपार्टमेंट से टू कंपार्टमेंट में जा रहा है तो ये के वन टू, और अगर दो से वन में आ रहा है तो के टू वन हो गया, और यहाँ से के ड्रग का एलिमिनेशन भी हो रहा है। तो ये है वेरियस मेमोलरी मॉडल्स। हाँ, और कैटरनरी मॉडल में मैंने बताया, जैसे कि देख सकते हैं आप कैटरनरी मॉडल कि ये रेल के डब्बे के तरह जुड़ा हुआ है, एक कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट, तीन कंपार्टमेंट, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है, ये भी रिवर्सिबल होता है कि टू से वन में, वन से टू में, लेकिन ये क्या है कि इसमें कोई सेंट्रल कंपार्टमेंट नहीं होता है, मतलब ये सीरीज में जुड़ा रहता है, ये नहीं कि एक कंपार्टमेंट है उससे सारे कंपार्टमेंट ऐड है, वैसा नहीं होता है, इसमें एक कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट, तीन कंपार्टमेंट, ऐसे ही रेल के डब्बे के तरह जुड़े होते हैं। तो ये हो गया हमारा कैटरनरी मॉडल। सो ये है ऑल अबाउट दी फार्माकोकाइनेटिक मॉडल। हम दूसरे वीडियो लेके आते हैं, इसमें है वन कंपार्टमेंट मॉडल को डिटेल डिस्कस करेंगे। So thank you very much, everyone.